फ्रैक्चर हो के है और मेरा छोटा भाई अभी तक बेहोश है अंदर हॉस्पिटल में, उन्हें होश में नहीं आया अभी तक। 17 ईयर्स एज है उसकी, कल सुबह में बीएससी न्यूट्रिशन का एग्जाम है उसका। बस ये कहना है मेरे को कि मेरे को इंसान कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है कोई पर, हाँ मैं जानता हूँ, मतलब मोहम्मद अहमद एक का नाम है और एक का नाम मोहम्मद सुबान है, एक का नाम मोहम्मद साजिद है, एक का नाम मोहम्मद रहमान है और एक जो है सो ये चारों सगे भाई है और एक का नाम जो है सो मोहम्मद इमरान है, जो के भतीजा है। 17 साल के बच्चे को 40-40, 35-35 साल के लोग रुका के जो है सो मारे, ये जो है सो सरासर बहुत बड़ी जो है सो बुजुर्गी का काम है। अगर ये अटैक करने की वजह क्या है, इससे पहले भी क्या झगड़ा हुआ था? कुछ भी ऐसा नहीं है। और अटैक करने की वजह मतलब कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर कितनी भी वो हो, अगर उतना बड़ा उतने 35-40 इयर्स के एज के रहने के बावजूद वो लोग 17 साल के बच्चे को रुका के मार रहे, तो वो लोग इंसान नहीं है, जानवर है वो लोग। और मैं सबसे बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तेलंगाना पुलिस से कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई अभी भी बेहोश है हॉस्पिटल में, उन्हें बेहोश एडमिट है और मेरे भी सारे एक्सरेज वगैरह हुए, रिपोर्ट आने वाली है अभी इमीडिएटली। और पूरे कैमराज है, पूरे प्रूफ है, मस्जिद से मैं नमाज़ पढ़ के निकला मगरिब की, वो भी प्रूफ है, सब कुछ है। ऐसा जाते के साथ निकल पंच वगैरह, ऑटो चलाता एक बंदा, एक जो है सो सेंटरिंग का काम करता, एक जो है सो चप्पल बनाता, और नशे वगैरह में थे क्या? एक नशे में थे, एकदम नशे में थे वो लोग, आवाज़ से आँखा उखा एकदम लाल थे वो लोग के, आवाज़ से ही वो लोग मालूम हो रहा था। कम से कम 100-150 आदमी मिलके छुड़ा रहे थे, पूरे लोग भी कैमरे में मौजूद सीसीटीवी में, 100-150 आदमी मिलके। हुकूमत से क्या तलब है अभी? हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है फ्रॉम तेलंगाना पुलिस कि मुझे जो है सो इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे भाई का एग्जाम है बीएससी न्यूट्रिशन का, उन्हें अब सीरियस हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एग्जाम मिस हो गया, अब एक साल खराब हो गया उसका, अब कौन ला के देगा उसका ये एक साल वापिस? बेकू मारे क्या वजह से, क्या रीजन है? ना कोई पर्सनली दुश्मनी है, और ऊपर से मारते वक्त बोल के वो मार रहे हैं कि हमारे को देख लो, हम शहर के डॉन है, हम क्या कर सकते, तुम्हारों को मार डालते, जान से मार डालते, तुम शुक्र मनाओ, खाली तुम लोगों को मार के बेहोश करे, हाथों पैरों पे मारे, आने वाले टाइम में तुम लोगों को जान से मार देंगे, बोले वो लोग। और मैं को लूँ मेरे को, मेरे दोनों भाई को, मेरी फैमिली को, मेरे हम लोग हमारे को जान का धोखा है इन लोगों से, इनसे जान का धोखा है। ये लोग ये बोल के मारे कि हम जो है सो आने वाले वक्त में आपका मर्डर कर देंगे, हमारे को ये धोखा है। हम रिक्वेस्ट है हमारे को सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, तेलंगाना पुलिस से, सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ हो। और कुछ नहीं, मैं इंसाफ चाह रहा हूँ, मैं पूरे डिपार्टमेंट से, पूरे पुलिस से, संतोष नगर PS लिमिट में जो है सो ये हुआ है, और ये लोग 40 ईयर्स। मेरा नाम सैयद मोहम्मद इरशाद आलम है, मैं फतेहशाह नगर मोइनबाग में रहता हूँ। मेरे दो छोटे भाई है, मेरे जो छोटे भाई हैं उसकी एज अभी 17 साल है, 17 साल के हैं, और कल उनका एग्ज़ाम है BSc न्यूट्रिशन का। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था मस्जिद में, मेरे को न्यू नंबर से कॉल आया कि आपके घर के पास शानूर बोल के जो होटल है, होटल के पास आपके छोटे भाई को मार रहे हैं। मैं मस्जिद से निकला, CCTV कैमरे में फोटेज में सब कुछ है, मैं मस्जिद से निकला, निकल के इमीडिएटली शानूर करने गया, जाने शानूर होटल के पास गया, वहाँ गया तो 8-10 जने मिलके मेरे छोटे भाई को तो मारे ही, सर फोड़ दिए, पूरा डैमेज कर दिए। 17 साल उम्र है बच्चे की, वो बच्चे का कल BSc न्यूट्रिशन का एग्ज़ाम है। मैं गया, मेरे को भी 7-8 जने उल्ला पूरे कैमरे में CCTV में मारे, वो जो आदमी उन लोग मारे, उन लोग गांजा वगैरह पीते करते, सेंटरिंग का काम करता, उन्हें लेबर है, लेबर कैटेगरी का है बंदा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ विजय आनंद प्राइवेट लिमिटेड में, टेक्सटाइल कंपनी में, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मेरी पूरी एजुकेटेड फैमिली है, मैं नमाज पढ़ती कि मेरे छोटे भाई को क्यों मार रहे हैं, बल्कि मैं अकेला गया वहाँ पे इमीडिएटली, जाते के साथ वो लोग मेरे को भी मारे, एक जने के हाथ में निक्कल पंच वगैरह था, विकेट से लटों से मारे, निक्कल पंच वगैरह से मार के करके, वो लोग गांजा वांजा पी के करके थे, शराब वराब कुछ पी के उके थे, मारे करे, और वो लोग जो है सो सेंटरिंग का काम करते, और उसका एक भाई ऑटो चलाता, एक भाई चप्पल बनाता, एक भाई ऑटो चलाता, एक भाई जो है सो सेंटरिंग का काम करता, और एक बच्चा है उसमें छोटा, उन्हें जो है सो मतलब उधर मोइन बाग संतोष नगर में वो एरिए में एक मसानगट्टी है, वहाँ मसानगट्टी में बैठ के पूरे चोरों के साथ, स्नैचरों के साथ बैठा हुआ रहता। ऐसा हुआ। अटैक करने की वजह क्या आपकी? मैं पूरे CCTV फोटेज कैमराज चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 18-20 CCTV कैमराज लगे हुए हैं, ऑपोजिट में मसूदा फंक्शन हॉल है, शानूर होटल है वहाँ पर। मैं सिर्फ ऐसा एक्टिवा पे गया, मेरी एक्टिवा ऑफ भी नहीं करा, मैं इग्निशन ऑफ भी नहीं किया गाड़ी का, 8-10 जने मिलके अटैक करे। मेरा छोटा भाई जो है जिसकी एज 17 साल है, वो बच्चा शानूर होटल के आगे जो है सो
एक जिम है, मेरा छोटा भाई, सगा छोटा भाई और उसके साथ एक बच्चा है, वो दोनों पैदल जिम को जा रहे थे, तो ये लोग जो है सो रुका के 8-10 जने 17 साल के बच्चे को मारे ये लोग। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम तेलंगाना पुलिस, आई एम रिक्वेस्टिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस, आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम तेलंगाना ऑफ पुलिस। 17-18 साल के बच्चे को 35-40-45 साल के आदमियाँ 8-10 जने मिलके मारे। मैं इमीडिएटली जो है सो छुड़ाने गया तो वो लोग मेरे को भी मारे। मैं इमीडिएटली पुलिस स्टेशन गया, मेरा संतोष नगर PS लिमिट है, मैं पुलिस स्टेशन गया संतोष नगर, वहाँ से जो है सो अभी हॉस्पिटल आया हूँ। एक्सरेज वगैरह देखने के बाद डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मेरे को 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट